हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना किसी फोटो एडिटर को यूज किए बिना कैसे प्रोफेशनल लुक की लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्नो अंतेश और आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाले हूं जिसमें आप बिना किसी फोटो एडिटर को यूज किए बिना एक प्रोफेशनल लुक की लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव भरी हो सकती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमें कैसे और क्या करना होगा। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पीसी या लैपटॉप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप किसी भी ब्राउजर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्राउजर में आपको एक वेबसाइट को एक्सेस करना है जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसे और क्या करना है चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने पीसी में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप सर्च करें www.canva.com जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। पेज ओपन होने के बाद इसकी कुछ इंटरफेस आपको इस तरह देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको साइन अप विद फेसबुक या साइन अप विद गूगल से आप इसे साइन अप कर ले। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी साइन अप करके रखा है तो मैं इसे लॉगिन पर क्लिक करूंगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं लॉगिन विद गूगल अकाउंट से इसे लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी कुछ इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट ए डिजाइन पर और उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है लोगो पर। आप चाहे तो यहाँ से पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ लोगो बनाने वाले हैं तो लोगो पर क्लिक किए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोगो पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ ओपन हो जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि मेरी भी चैनल की लोगो मैंने यहीं से क्रिएट की है। तो कैसे क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो पर बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मेरी लोगो है जो कि मैंने यहीं से क्रिएट की थी। तो मैं यहाँ कुछ दूसरी फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ, कोई अच्छे से टेम्पलेट देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। तो इसे कैसे एडिट करना है देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसे बैक स्पेस करके रिमूव कर देना है और यहाँ पर आप अपने चैनल्स का टाइटल लिख दें। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का टाइटल लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिखता हूँ टेक्नो अंतेश। आप यहां से चाहे तो इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो चलिए हम इसकी कलर को भी चेंज करते हैं। चलिए मैं इसे येलो कर देता हूं। येलो करने के बाद आप इसकी साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये बस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इन सारे सेटिंग्स को आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अपने लोगों के अनुसार अपने लोगों की साइज को एग्जैक्टली सेट कर सकें। तो चलिए मैं यहां अपनी टाइटल को पूरा लिख लेता हूं, जैसा टेक्नो अंतेश है तो मैं अंतेश यहां लिखता हूं। और इसकी साइज को हम थोड़ा कम कर लेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हम अपनी सब टाइटल को यहाँ लिखेंगे, जैसे कि मेरी है टेक्नो अंतेश टेक रिलेटेड वीडियोस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक रिलेटेड वीडियोस। उसके बाद इसे हम अच्छा से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स।
आप अपने अनुसार इसे अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ये सब करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ जो भी टेम्पलेट अच्छी लग रही है आप उसे सिलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसकी फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ PNG ही रखने वाला हूँ और जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी लोगो है ये डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करें जहाँ पर सेव करना चाहते हैं और ओके पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये मेरी यहाँ पर फोटो सेव हो गई है। तो मैं इसे ओपन भी करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरी लोगो तैयार है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं यहाँ पर और भी आपको एक लोगो क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि अब इसे हमें कस्टमाइज नहीं करना होगा। हम जैसे ही किसी दूसरे टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे ये देखिए हमारी टेम्पलेट ऑटोमेटिक यहाँ पर कस्टमाइज हो जाएगी। तो हमें इसके बड़े ही फायदे मिलने वाले हैं। बार बार हमें लिखना नहीं होगा, टाइप नहीं करना होगा। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल किसी और एक टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे सिलेक्ट करते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद मेरी लोगो कुछ इस तरह से क्रिएट होने वाली है जो कि देखने में आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड्स। तो इसे भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो फिर से हम इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद फिर से मैंने इसकी फॉर्मेट PNG रखी और ओके पर क्लिक की और फिर से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आप किसी और भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बेनिफिट हमें यही मिल रही है कि हमें बार बार कस्टमाइज नहीं करना है। हम सिर्फ एक बार टाइप करेंगे और जो भी हमें लोगो अच्छी लगेगी उसे सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है उस टेम्पलेट को, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा ये वेबसाइट। तो इस वेबसाइट की यही सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि फ्रेंड्स हमें बार बार कस्टमाइज नहीं करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितनी अट्रैक्टिव ये भी लोगो है। तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स आप इन स्टेप को फॉलो करके आप एक प्रोफेशनल लुक की लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको कॉन्टिन्यू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।